ये है केतन की स्ट्रेटेजी, मामा के ऊपर बैठ गए आके। ये देखो क्या कर रही है भाई, जकार मार रही है। लाइक क्या हो गए भाई, मैं अपने से लड़ाई कर रहा हूँ पहले। ओके, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मेरे चैनल पर आज कुछ नया आने वाला है। मैं एक चैलेंज लाया हूँ सबके लिए। ऑब्वियसली चैलेंज आपको टाइटल में दिख ही गया होगा, कितना पिज्जा खा सकते हैं 30 मिनट्स में। काउंट रख रहे हैं हम लोग बोर्ड पे। ऑब्वियसली एक ही जो विनर होगा हमारा, जो हमारा फर्स्ट होगा, जिसने सबसे ज्यादा पिज्जा खाए होंगे 30 मिनट्स में, विल गेट 1 लाख रुपीज। दैट इज द चैलेंज। एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस एंटायर चैलेंज वीडियो, बिकॉज ये कुछ नया है मेरे चैनल। तो गाइस चलते हैं बाहर, लेट्स सी कि सब लोग क्या कर रहे हैं। हाय गाइस, हेलो। सो गाइस 20 पिज़्ज़ास यहाँ पर हैं, और देखिए जानवर नहीं होगा, जॉर्ड आइए माफिया। आप तो एक विनर हो ऑलरेडी। नहीं, यस ये विनर है मेरे लिए गाइस। कैसे? मुझे बस इसका साइज देख के बोल रहा हूँ विनर है ये। वैसे भी 5 लोगों का खाना खा लेते हैं डिनर में, तो मुझे कम पड़ जाता है। ज्यादा खाते हैं, बाहर का कम खाते हैं। अरे ऐसा लग रहा है खा के बैठे हैं अभी। नहीं भाई, सुबह से कुछ खाया ही, कल रात से नहीं खाया ब्रो। अरे भाई तुमने कब से खाया? हमने सुबह खाया। मैं इनका एक सीक्रेट अभी रिवील करने वाला हूँ। अभी अभी फ्लश की आवाज आई, 8-bit वाले रूम से नीचे तक फ्लश की आवाज। ऐसा ऐसा करके पूरा उलट के आया था। माफिया जीत गया, हम लोग जगह बहुत है, माफिया जीत गया। और ये रेगा इन द हाउस। मैं आराम से, तू आराम से खाएगा। गाइस अगर रेगा जीत जाता है तो हम इसको 2 लाख दे देगा, ठीक है? मैं जीतूंगा, ठीक है? अब मैं जीतूंगा, देखो 2 लाख दूंगा। अब मैं जीतूंगा, फिर जीत गया तो 2 लाख, फिर मैं जीतूंगा। याद रखना, ओए याद रखना, ये बज रहा है, ठीक है? ब्लॉग में गया भाई। केतन बोल रहा था मैं चीटिंग करके आता हूँ। मैं चीटिंग करके क्या आऊंगा? क्या करने? ये गाइस देखो टेक्निक हल्की सी बताएंगे कि वॉशरूम में जाओ, निकाल के आओ, एंड दोपहर को कुछ मत खाओ, सिंपल। दोपहर क्या? माफी ने रात से नहीं खाया, कल रात से नहीं खाया। बहुत सारे लोग ने बहुत टाइम से नहीं खाया है। माफी की टांगे पतली हो रही है। रूल्स एंड रेगुलेशन बता दे। और ये दो और मालूम है गाइस, मैंने 20 पिज़्ज़ास ऑर्डर किए, ठीक है? माफिया चलो एक चीज, इसका शक्ल देखते ही मुझे लगा कम पड़ रहा है, हमको पता नहीं क्यों। लोगों से डर नहीं है, सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है यहाँ। मेरे से क्या? आइए रेबेल इज लाइक इसको तो खाते रहते हैं फिर भी एब्स रहते हैं, पता नहीं कैसे। मैं आपको अब रूल के बारे में बताने वाला हूँ। द रूल इज 30 मिनट्स दिया जाएगा सब लोग को। 30 मिनट्स में मैक्सिमम पिज्जा जिसने खाया विल गेट प्राइज ऑफ, विल गेट अ प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज, वैसे 1 लाख रुपीज किसी के जेब में ऑलरेडी चला गया है मुझे लग रहा है। वेयर इज द 1 लाख रुपीज? किसी के जेब में ऑलरेडी जा चुका है मुझे लग रहा है। 500 के नोट्स है, 1 लाख रुपीज। आर यू गाइस रेडी? मॉम रेब, रेग मामा, ओके ओए भाई, UMG Among Us और मैफ, ये तो विनर है भाई, यहां पे लग दो। और मर्स और ओनली 30 मिनट। हां हां फ्री फायर आएगा, देखो बहुत हैवी है भाई। उमंग अंदर लेके जा रहे हैं, चीटिंग करेगा, मछली को खिलाएगा लगता है। अब ऐसा लग रहा है अमंगस खेल रहे थे, अमंगस अमंगस का डिस्कशन पैनल लगा। ए भाई बता देना सेकंड पीस प्लीज। मैं ब्रो सब गए, टू एक से ज्यादा मर्सी का टू हो गया, उमंग भी टू, पानी पिलाओ, मेरा दूसरा बोतल रहेगा भी टू। पियो भाई तुम लोग का लॉस है, पियोगे तो बोल। ये कौन खाएगा साइड का कॉर्नर? सब कौन है ब्रो? कहाँ गया? वही तो हैवी पीस। ये चीटिंग कर रहे थे यार, पापड़ है यार, पापड़ खाना पड़ेगा, सब खा रहे हैं। गाइस मेरे मुंह में बह रहा है पानी मुझे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हेल्प करना है। गाइस इफ यू आर एंजॉयिंग डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक बाय द वे। इट्स ओनली 3 मिनट्स चीटिंग नहीं करना, लेकिन माफिया का थर्ड हो गया। अच्छा अच्छा केतन का दूसरा है, ओके रेबल भी थर्ड। ओ यो ये भाई थोड़ा डालने वाले के लिए दो यार। क्या डाले? गाने वाले लगा यार, गाने कहाँ से? सुनो कॉपीराइट लगाना चाहते मेरे कंटेंट पे केतन, नॉलेज पूरा है लेकिन गाना फिर भी बजाना है। क्या हुआ माफिया? मैंने देखा कैप्टन, कैप्टन बोल रहे मैंने देखा, मैंने देखा केतन चीटिंग। हेलो
नहीं 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 मैंने देखा मैंने देखा हां माफिया ने दो डाल दिया उधर कौन बोल रहा है भाई अंधे भाई ओए बस बस खुश खुश भाई माफिया 4 मांबा 3rd रेबेल 3rd ओके रेगा 2nd ठीक है कोई बात नहीं केतन ठीक है उमंग 3rd मर्सी मर्सी तो अलग कंपटीशन में है वो ड्रिंक के कंपटीशन में आराम से कौन खा रहा है मर्सी नंबर क्या है आराम से किसी को खाना है ओए 30 मिनट्स में हाईएस्ट मींस केतन चिटी हो गया भाई मैंने देखा है 15 मिनट से बात कर रहा हूं हां ये गाइस मर्सी ने अपनी स्ट्रेटजी बताई है अभी लास्ट के 30 मिनट्स लास्ट के 15 मिनट्स में बूम खाएगा मर्सी लेट्स सी जा रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन में होडोर नहीं ना हाय हाय भूख लग रही मुझे भी लग रही बहुत तेज गाइस हम दोनों भूखे हैं भाई आधी भूख तो पता है ये डब्बे देख के मिट रही मेरी मैम्बा विद द 4th एंड माफिया विद द 5th केतन विद द 3rd मांबा विद द 4th पेट भर गया मांबा मां कसम भर गया स्पीड शुरू हो गई मांबा बोलो 1 लाख डाल दे मैं बोल के एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता अच्छा 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 ओ स्ट्रेटजी YouTube वीडियो देख के आए लगता है बिगेस्ट मिस्टेक रेगा कैसा चल रहा है ऑल गुड क्या देगा सरेंडर हो रहा है मुझे भी लग रहा है जल्दी सरेंडर आ रहा है 8 मिनट 30 सेकंड्स मतलब फास्ट खाने का ट्रिक बता रहा हूं ऐसे खाना चाहिए तो स्पाइन का बहुत यूज होता है इसमें खाने में पता है किसी को नहीं सीधा नहीं करना है ऐसे मूव कर करके फास्ट खाना है हमसे नचवा रहा है भाई और कुछ नहीं है यस नचवा है अरे मैं भी खा लूंगा कहां उमंग स्लो क्या 6 दैट मींस 6 के बाद उसका खत्म हो जाएगा तोड़ी नहीं है पागल है क्या अभी पता है माफिया पता है यहाँ से जाएगा ऊपर जाएगा फटेगा बूम वॉश आ गया तू साथ में भाई ये कह रहा है जिस तरह खा रहे रे ये लड्डू की तरह खा रहा है पूरे ठूस रहा था अच्छा चल रहा है मेरा 4 चल रहा है गॉड लेवल क्या रखा रखा माइनस वन निकाल गुड बॉय वो मैंने देख लिया वरना ना उमंग मेरे को मालूम है तेरी हेल्प कर देता मैं जानता हूँ उमंग को तेरी वजह से तो वॉशरूम जाम हुआ भाई हो जाएगा भाई ये भाई करना होना तो मैं ग्राउंड फ्लोर करियो गाइस ये बाय द वे मांबा की स्ट्रेटजी है डाइवर्ट करने की ट्वेल्व मिनट्स 10 seconds have passed. So guys, it's going amazing. दवा दम खा रहे सब लोग माफिया ऑब्वियसली फिलहाल के लिए जीत रहा है बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है मैं मुंह थक गया यार तुम फोल्ड करके खा रहे हो क्या अरे तुम्हें ध्यान भटका मत दाई खाने रेगा कितना क्यूट लग रहा है पिज्जा खाते हुए अब आएगा नमन को स्टोरीज में टैग या गाइस आपकी वजह से हमें रेगा देखने मिलेगा देखिए गाइस ये आ गए मैदान में रेबल्स इसी के बाद वापस भी जाने वाले मैदान हां मैदान में नहीं द सैंडविच बॉय जल्दी पेट भरेगा देखना उमंग कैसा लग रहा है क्या लग रहा है कितना खा पाओगे विल यू बी एबल टू बीट माफिया एक स्लाइस तो ज्यादा खाऊंगा उससे चैलेंज भाई उसका अगला डब्बा खुल चुका है तुम कितने ज्यादा एक स्लाइस खाओगे भाई मैं अपने से लड़ाई कर रहा हूँ पहले ओके क्या चल रहा है मुंह चल रहा है हाँ ये मांबा सही कर रहा है एकदम गाइस सबसे ज्यादा साइलेंट बैठा है सबसे फास्ट खा रहा है मांबा एंड डीजे सोलो लेकिन डीजे सोलो भी अभी रेस में थोड़ा सा पीछे बट माफिया एक बात बताइए आपको कैसा लग रहा है उमंग का डायरेक्ट चैलेंज आया है कि वो एक पीस ज्यादा खाएगा आपसे नहीं कर पाएगा हक देगा वो 1 lakh rupees की तरफ सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है हमारा 8-bit माफिया SATL माफिया By the way, it's 18 minutes past. I believe, guys, best trick ये रहेगा कि last का कुछ minutes में ना घपा घप माफिया से एक ऊपर कर लो मैं बताता हूँ उसका हो चुका है वो आराम से बैठा है बस
कौन माफिया? मर्सी माफिया तुम्हें बहुत टाइम से जानता है, क्लैश रॉयल के टाइम से। हां मोदी जी। अरे कैसे हो? अरे लगा ही नहीं कॉल ले रहा मर्सी, YouTube स्टूडियो भूल गया। अरे मर्सी कॉल कर दोबारा। कॉल कर रहे हैं। करो करो लॉक सीन दबा दो इस बारी। पावर बटन दबा दे ताकि लगे कि कॉल कुछ और है। डिब्बा खत्म है इसमें। अच्छा अभी है। अरे बात बात ये अच्छा अच्छा इनकी नॉर्मल बात है। वो उनका बिजी और नॉर्मल बातें हैं उनके फ्रेंड के। पिज्जा खाएंगे मर्सी? अच्छा अच्छा बचपन के आ रहा है ना। अरे मोदक बना हुआ है जिसको मोदक बोला पैर नीचे हो गया। स्लाइसेस निकाले लास्ट। हाँ पता है पता है पता है। उसने बोला इन्फॉर्मड है भाई ये तो पूरा एकदम अमंगस। ये वो वाली आंटी है ना सोसाइटी के, बिल्कुल वही आंटी बनेगा बड़ा होके। और कितना बड़ा होगा भाई, और कितना बड़ा होगा, जगंतरम ममंतरम हो जाएगा। हाँ कंप्लेंट आई है, हमें भी आई है, रेगल्टो सेप्सी ना बंद कर दीजिए, कर दीजिए, कोई बात नहीं, इधर से कोई कुछ नहीं। एक चीज तो एक्टिव है जिंदगी में, वो भी बंद कर दो। एक चीज है वो ये, हाँ इनका वही संगठन वही खोल के रखे हैं। एक वही ये खोल के रख नहीं अपने बंदे है, उसका नाम हुआ है रेगल टॉस। अरे पानी दो। अच्छा आपको भी टैग कर रहे हैं। अरे मोदी जी को भी टैग कर रहे हैं। 10 minutes रिमेनिंग, लास्ट 10 minutes में आई गेस स्पीड अप कर लेना चाहिए सबको। भाई मुझे डर है वॉमिटिंग ना कर दे भाई। मुझे भी लग रहा है, मैं भी सोच रहा हूं हट जा क्लोज टू दिस। ओए सुन जरा ना यहां को बताया ना, वॉमिट नहीं करोगे ना पक्का? नहीं होगी। आर यू श्योर? यस आई एम डैम श्योर। और पानी लाना। ओए ये है केतन की स्ट्रेटजी, मांबा के ऊपर बैठ गए आके। एक ब्लॉगर दूसरे को ओ अच्छा अच्छा भाई देख रहे यार, ये तो कंपटीशन यार खराब कर रहा है। थोड़ा फेयर प्ले। दूसरा ओनली 8 minutes लेफ्ट, 8 minutes में बूम बम करना है सिर्फ। सुनो ये पार्सल कर रहा है लगता है। तू ऐसे हाथ में क्यों पकड़ा है? विनर्स नेवर क्विट, ठीक है? विनर्स नेवर क्विट। विनर्स लूज दे राइज एंड दे ट्राई। गाइस वो देखो क्या है, ये देखो क्या कर दिया उसने, जकार मार रही है। क्या कर रहा है भाई? ये जो मारा ना टकार, मैं केतन को देख रहा था, मैं चुपके बाल तोड़ के निकल तो रहा हूं। कबूम शगा लगा बूम तेरा, इसका बूम बम तो भुवन बम हो जाएगा। अनफॉर्चूनेटली उमंग इज डेड एंड ओह माफिया क्या हंस रहा है उमंग पे। एक स्लाइस तो ज्यादा खाऊंगा उससे। 27 मिनट्स 40 सेकेंड्स पास, ओनली 2 minutes लेफ्ट, कौन जीतेगा ये वाला? मांबा आज हो जाए। मांबा हो जाए भाई, चैलेंज दे रहा है मांबा। सबने गिव अप कर दिया है, इट्स बिटवीन मांबा एंड माफिया, दैट्स इट। अब बात ये पता है, 1 minute लेफ्ट, पिज्जा हो गए बहुत सूखे। बात ये है कि सबके लिए सेम है, सब आउट है, सिर्फ दो लोगों के लिए। अरे कमेंट बच्चा जल्दी करो। आपको पता है कि नहीं विनर कौन था, बट ये रहा लास्ट क्लिप हमारा, लास्ट क्लिप ये था हमारा। वो जा नहीं रहा है अंदर, मांबा के अंदर जा नहीं रहा है, निकलेगा बहुत तेज भाई, यही है भाई। गाइस गेमिंग हाउस का दानो वन प्लस खाली। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बताया था हमने कोई बात नहीं जीतेगा ये बहन। मैंने अपनी गाइड का जोर लगा दिया, तुम बोल लो बता रहे थे तुमको तुम्हारी भलाई के लिए, बताया था ये चूतिया जीत जाएगा, इसलिए हम अब तक तीन खाए टेस्ट लिए। कोई निकालो साले इस पूरा घर का खाना खाते हैं यार, अभी से राजमा चावल खाए मजा आता है घर से। हमारे सबसे कट्टर चैलेंजर थे माफिया के, वो ये थे, बिना डरे माफिया को चैलेंज किया इसने और हार गए बहुत बुरी तरह, डर के हारे एकदम डर के। ये अभी से ही लग रहा है वेट काफी बढ़ चुका है इनका, एंड गलत भाई, मतलब मांबा ने बहुत ही ज्यादा ट्राई हार्ड किया और कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरे को फील हो रहा था ना, जब वो जवाब रहे ना कि वो जा नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा था चोक हो रहा है, और चोक अगर हो जाता ना सही में उल्टी तो उल्टी ही होती है। क्या हो रहा है ये? माफिया कंट्रोल कर भाई, क्या कर रहे? आवाज उधर से आ रही है, मैं इधर नहीं, मैं एडिटिंग में हूं। क्या कर रहा है माफिया? ठीक है, एंड देन वी हैव आवर विनर माफिया। गले मत मिल मेरे ऊपर सोच इधर आ रहा है। ओह यस माफिया, एक्सपीरियंस बताओ, मतलब टफ लगा कि नहीं लगा? क्या क्यों
सुनो एटीट्यूड अलग लेकिन मैं लेजिट पूछ रहा हूँ, मैं लेजिट पूछ रहा हूँ कि लगा था क्या कि कोई आ सकता है? मेरे को लगा था मर्सी या ये कर लेंगे। ओके और ये चैलेंज दिया बट ये टूस हो गए और ये टीम ये अनएक्सपेक्टेड था, आउट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन क्या बोलते हो तुक्का मार के करेंगे यार। आज मैंने देख लिया मेहनत का फल मीठा नहीं होता। सो गाइस एक खाने में हमको 1,00,000 rupees हमारे SATUL 8 बिट माफिया 1,00,000 है ना ये गिल्लू अब बारी है गरम ही मैं लगा दूंगा। अरे हां ऐसे खा सकते हैं क्या? खाना तो पहले फटाफट खा लो, ले 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 वो जाओ। अभी ये क्या करोगे? वेस्ट जाएगा फिर। स्ट्रेस खाने को कंपटीशन दिया यार, कुछ तो डिजर्व करता हूं मैं। शाबाशी निकाल के शाबाशी, थोड़ा गड्ढे में से पैसा दे। हां रैंडमली दे दे। व्हाट्सअप गाइस, सो फाइनली यार हमारा ये चैलेंज कंप्लीट होता है एंड इट वाज एन ऑसम चैलेंज बिकॉज़ यार माफिया ने निकाल ही लिया इसको और शुरुआत से मुझे लग रहा था कि माफिया जीतेगा। इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू वांट मोर वीडियोस टू कम आउट ऐसे चैलेंज वीडियोस, लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस वीडियो को शूट करने में मुझे, सबके साथ पूरा SATUL का सपोर्ट था। ऑल्सो गाइस मुझे आपसे एक बात कहनी थी, मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ फॉर ई स्पोर्ट्स मोबाइल प्लेयर ऑफ द ईयर एंड स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। सो ये दो नॉमिनेशंस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। यू गाइस कैन डेफिनेटली वोट फॉर मी एंड बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ तक देख चुके हैं, वोट कर दीजिए मेरे लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों वोटिंग लाइंस का और शेयर भी कर दीजिए इस चीज़ को, लेट्स डू इट। बाय द वे मैं इंडिया का फर्स्ट बंदा हूँ जो दो चीज़ों के लिए नॉमिनेट हुआ इन द सेम ईयर एंड स्ट्रीमर ऑफ द ईयर कंपैरेटिवली इज़ अ वेरी ह्यूज अवार्ड, जो मतलब इट इज़ एन अनरिकग्नाइज ड्रीम। मैंने ये चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी बट देन राइट नाउ आई बिलीव वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ आप लोग के हाथ में है एंड यू गाइस कैन वोट फॉर मी। बट ओवरऑल बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड, द ग्राफ हैज़ बीन, व्हाट मैटर्ड वाज ऑल ऑफ अस स्टक टुगेदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। किसी को भी लो नहीं फील होने दिया बिल्कुल भी, इंजॉय किया, पॉजिटिव वाइब, स्ट्रीम्स, एवरीथिंग, यू गाइस वर ऑलवेज देयर विद अस and it was amazing. Thank you so much guys for all the support. I hope ye wala jo hamara naya series hai jo hum challenge series nikale hain you guys will enjoy and we will keep evolving. We are SATUL. Goodbye.